कल जब हम राज्यपाल के बारे में बता रहे थे आपको, तो कुछ राज्यपाल के नाम छूट गए थे जिनमें से आपको हम नाम नहीं बता पाए थे राज्यपालों का, तो आज उन राज्यपाल का नाम भी बताएंगे। और एक राज्यपाल का एडिट करते समय थोड़ा सा कट गया है, जैसे कि गुजरात के जो राज्यपाल हैं उनका ट्रिक एडिट करते समय कट गया था वीडियो में, तो उनको भी बता देंगे। और जो बाकी बचे हैं राज्यपाल उनको हम बताएंगे। इन राज्यपालों के क्रम के बाद हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद से जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके बारे में बताएंगे, राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में बताएंगे, तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख के बारे में बताएंगे और मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताएंगे। आज का हमारा जो वीडियो होगा ये इतने कंटेंट के साथ होगा, इतने लोगों के बारे में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। तो कल हमारी जो अंतिम चर्चा हुई थी वो सिक्किम को लेकर हुई थी, और सिक्किम के कौन थे, तो गंगा प्रसाद जी थे, ठीक है। और सिक्किम के बाद एक आता है तमिलनाडु, सिक्किम के बाद तमिलनाडु आता है। तो देखिए, एक बनवारी नाम का लड़का है, तो बनवारी नाम का लड़का हमसे आके मिला और कहा कि हम एक ऐसे पुरोहित को जानते हैं जो लाल कलर के हैं, यानी कि जिनका कलर लाल है। तो हमने कहा ठीक है, तो मिलवाओ उनसे, ठीक है। तो इससे ट्रिक क्या बनता है कि तमिलनाडु, तो मिलाना, तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के हो जाएंगे। बनवारी नाम के लड़के से हमने कहा कि हाँ मिलवाओ, उसने कहा कि लाल कलर के पुरोहित हैं, तो बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, इसका ट्रिक हो गया बनवारी लाल पुरोहित। इसके बाद से आता है तेलंगाना। बात करें अगर तेलंगाना की, तो देखिए तेल और अंगना ये दो शब्द से मिलकर बना है तेलंगाना, यानी कि आप अगर तेल लगा के अपने आंगन में आ जाएंगे, तेल लगा के आंगन में आते हैं तो आपकी सुंदरता को लोग देखेंगे तो तिलमिला जाएंगे, एकदम आप बहुत सुंदर लगेंगे तेल लगा के आएंगे। तो तेल लगा के जब आप अंगना में आते हैं, यानी कि तेलंगाना, तेल लगा के जब अंगना में आए हैं आप क्या होंगे, बहुत सुंदर दिखेंगे। क्या दिखेंगे, तो सुंदर दिखेंगे और लोग तिल मिला जाएंगे आपको देख के। तो इससे हो जाएगा तिमी लिसाई सौंदर्य राजन, ठीक है, आपकी सुंदरता को देख के लोग तिल मिला जाएंगे, तो सौंदर्य राजन। कब, जब आप तेल लगा के आंगन में आएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, आप जब भी तेल लगा के आंगन में जाएंगे तो शायद लोग देख के आपको फिसल हो जाएं। इसके बाद से आता है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की बात करें तो इसमें देखिए त्रि आपको पूरा करना है, यानी तीन चीज़ों को आपको पूरा करना रहेगा। तो तीन चीज़ों को जब आपको पूरा करना है तो एक तो आप स्वयं हैं और दूसरा दो लोग और चाहिए। तो आपने एक सत्यदेव को खोज लिया और एक नारायण को खोज लिया, तो तीन लोग पूरा हो जाएंगे। तो सत्यदेव और नारायण, किसी ने कहा कि सत्यदेव और नारायण आ रहे हैं, ठीक है, सत्यदेव और नारायण आ रहे हैं क्या करने के लिए, तो तीन लोगों को पूरा करने के लिए। तो त्रिपुरा का हो जाएगा आपका, जब तीन लोगों को आप पूरा करेंगे, यानी कि त्रिपुरा करेंगे तो सत्यदेव, उसके बाद से नारायण, आ रहे हैं, तो आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, त्रिपुरा के हो जाएंगे सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य के बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में, और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वर्तमान समय में वो हैं आनंदीबेन पटेल साहिबा हैं। तो ये माननीय आनंदीबेन पटेल साहिबा उत्तर प्रदेश की महामहिम यानी कि राज्यपाल हैं। तो उत्तर प्रदेश की जब हम बात करेंगे ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं उत्तर प्रदेश की। इसके बाद से उत्तर प्रदेश के बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड एक ऐसा खंड है जहाँ भगवान लोग रहते हैं। उत्तराखंड में आप जाएंगे तो देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, तो जहाँ देवता रहेंगे वहाँ रानी भी रहेंगी, लेकिन क्या है कि देवताओं के अनुरूप जो रानी होंगी वो काफ़ी बेबी होंगी, मतलब छोटी होंगी। तो यहाँ उत्तराखंड से ट्रिक आपका बन जाएगा, उत्तराखंड देवों की भूमि है, देवता जहाँ रहते हैं उत्तराखंड, तो यहाँ जो रानी होंगी वो काफ़ी छोटी होंगी, यानी कि बेबी अवतार में होंगी, अभी छोटी होंगी। तो बेबी रानी और मौर्य, बेबी रानी मौर्य यहाँ की उत्तराखंड की ये क्या है, महामहिम राज्यपाल हैं।
इन सभी राज्यों के बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल जो है पश्चिम में है और एकदम बंगाल किनारे है, तो वहाँ क्या है ना कि वहाँ सबसे बड़ा जो झोल है वो ये है कि वहाँ पे आपको एकदम जगत में दीप के जैसा काम करना है तभी आप धन खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पश्चिम में सबसे पूरब में है। तो पश्चिम बंगाल सबसे पूरब में है, पश्चिम बंगाल सबसे पूरब में है। तो पूरब में अगर आप हैं तो आपको तो पश्चिम में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जगत में दीप का काम करना पड़ेगा और धन खड़ा करना पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल का ट्रिक हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ विकास करने के लिए एक तो जगदीप होना पड़ेगा, यानी कि जगत में दीप होना पड़ेगा आपको, और धन खड़ा करना पड़ेगा। तो ट्रिक आपका हो गया पश्चिम बंगाल का, जगदीप धनखड़। इन सारे ट्रिकों के बाद हमने आपको बताया है कि गुजरात के जो हैं वो राज्यपाल के जो ट्रिक हैं वो छूट गए थे। तो गुजरात राज्य का जो राज्यपाल हैं, गुजरात राज्य के जो राज्यपाल हैं उनका ट्रिक आप एक बार और समझ लीजिए कि देखिए, जब मुजरा होता है तो मुजरा में लोग एकदम जब मुजरा देखने लगते हैं तो वो व्रत धारण कर लेते हैं, ठीक है, एकदम व्रत धारण कर लेते हैं, खाना वगैरह नहीं खाते हैं जब तक मुजरा होता रहता है। तो इससे क्या आपका ट्रिक बन जाएगा, आचार्य देवव्रत, ठीक है, क्या करेंगे, देवता लोग जो हैं वो व्रत रख लेते हैं, जब मुजरा होता है तो देवता लोग व्रत रख लेते हैं। तो मुजरा से हो जाएगा गुजरात, मुजरा से हो जाएगा आपका गुजरात, गुजरात, और गुजरात का हो जाएगा क्या होगा, जब मुजरा आप देखेंगे रात भर, मुजरा आप रात भर देखेंगे तो आप जो है उस मुजरा में इतने लीन हो जाएंगे कि आप व्रत रख लेंगे। तो आपसे मतलब ये है कि देवता लोग जब मुजरा देखते थे तो वो लोग व्रत धारण कर लेते थे। तो यानी कि आचार्य और देवता दोनों मिलके क्या कर लेते थे, व्रत धारण कर लेते थे। तो आचार्य देव व्रत हो जाएगा इसका, आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, आचार्य देवव्रत। इन सभी राज्यपालों के बाद हम बात करेंगे अब भारत के राष्ट्रपति की। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो हैं इन सभी राज्यों के राज्यपाल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया, और इसके बाद अब हम जानेंगे जो भी दूसरे राज्य के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासक होते हैं, जो शासक होते हैं, अब उनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि वहां राज्यपाल के स्थान पे उपराज्यपाल होते हैं और या प्रशासक होते हैं। तो जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी बात हम कर लेंगे, केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश में आएंगे आपके जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक होंगे तो उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक होंगे वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, सबसे पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीप है, द्वीप कहाँ होता है, मैक्सिमम सी में होता है, यानी कि समुद्र में होता है। द्वीप कहाँ होता है, तो जो सी में होता है उसे द्वीप कहते हैं, जो सी में होता है, सी यानी कि समुद्र में होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें द्वीप है तो ये कहाँ रहेगा, जो सी में है यानी कि समुद्र में है। तो इसका हो जाएगा एडमिरल डी के जोशी, ठीक है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब द्वीप कहाँ रहता है, तो जो सी में रहता है, तो ये हो जाएगा डी और के, यानी कि जो सी में रहता है, जो सी, डी के जोशी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हो जाएंगे डी के जोशी। इसके बाद से हम बात करेंगे चंडीगढ़ की। तो देखिए, चंडी कालिका को कहा जाता है, तो यानी कि कालिका के गढ़ में अगर आप जाएंगे तो वहां शेर आपको मिलेंगे, और शेर को हम सिंह कहते हैं, ठीक है। जब भी आप चंडी के गढ़ में जाएंगे तो वहाँ आपको सिंह मिलेंगे और वो आपके बदन को नोच देंगे, आपके बदन को नोच देंगे। तो चंडीगढ़ से हो जाएगा चंडी से हो जाएगा चंडीगढ़, चंडी के गढ़ में आप जाते हैं,
चंडीगढ़ में जाते हैं तो वहाँ पे जो है सिंह रहते हैं, यानी कि शेर रहते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा वीपी, वीपी सिंह, सिंह यानी कि शेर। ये क्या करते हैं बदन नोच देंगे आपका, तो बदनोर। यही ये कार्यभार संभाले हुए हैं चंडीगढ़ का, यही पंजाब के भी राज्यपाल हैं। हमने पंजाब के राज्यपाल के बारे में बताया था जब आपको, तो वीपी सिंह बदनोर ही थे, तो चंडीगढ़ में वीपी सिंह बदनोर रहेंगे। इसके बाद से हम बात करेंगे दिल्ली की, दादरा एंड नगर हवेली की। तो देखिए, अगर आपको दादर, मुंबई दादर स्थान है मुंबई में, तो दादर में अगर आपको एक हवेली दे दिया जाए तो आप प्रफुल्लित हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। अगर दादर में आपको हवेली दे दिया जाए तो आप बड़ा ही खुश हो जाएंगे। और आपको एक लक्ष्य दे दिया जाए कि आपको द्वीप जलाना है वहाँ पे, आप अगर आपको दादर में एक हवेली मिल जाती है और आपको ये लक्ष्य मिल जाता है कि आपको द्वीप जलाना है, तो आप क्या करेंगे, तो दादर और हवेली, दादर में आपको हवेली मिला तो यानी कि दादरा एंड नगर हवेली, दादरा 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 नगर हवेली, नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। और इस हवेली में आपको क्या करना है, तो आपका एक लक्ष्य है आपको द्वीप जलाना है, तो दादरा नगर हवेली और लक्ष्य है क्या है आपका द्वीप जलाना, तो लक्ष्य द्वीप। तो इन दोनों के जो प्रशासक हैं इनका जो नाम है, अब जब इतना आपको कहा जाएगा कि आप दादर में एक हवेली ले लीजिए और आपका लक्ष्य है द्वीप जलाना, तो आप प्रफुल्लित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, बड़ा प्रफुल्लित हो जाएंगे कि अरे वाह हमको तो मतलब पूरा सब कुछ मिल गया है, तो आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। तो प्रफुल्लित से हो जाएगा प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल, आपको लक्ष्य मिला है प्रफुल्लित होना है तो प्रफुल्ल पटेल हो जाएंगे। इसके बाद करेंगे हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली की, NCR जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पे दिल्ली दिल है आपका, और दिल को कुछ हो जाता है तो इसमें आवाज़ आने लगता है, यानी कि बजने लगता है, ये बजने लगता है। तो दिल्ली से हो जाएगा, दिल है आपका दिल्ली में, तो दिल्ली, और क्या होता है दिल आपका कभी कभी क्या होता है बजने लगता है, तो यहाँ के हैं अनिल बैजल, बजने लगता है तो बैजल, इनको भी अनिल बैजल हैं ये। इसके बाद से हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में इस समय जो हैं वर्तमान समय में वो मनोज सिन्हा जी हैं। बात करें अगर जम्मू और कश्मीर के, दिल्ली के बाद हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर में वर्तमान समय में जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा, जो कि गाजीपुर के रहने वाले हैं, गाजीपुर यूपी में पड़ता है। तो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में JNK में, ठीक है, JNK में कौन है, मनोज सिन्हा है, मनोज, और यहाँ सीना दिखा रहे हैं, एकदम सीना चौड़ा किए हुए हैं, तो सिन्हा। कश्मीर में आप सीना चौड़ा करके नहीं घूम सकते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि आप सीना चौड़ा करके घूम सकते हैं। तो क्या है, आप मानिए चाहे न मानिए, सीना तान के घूम रहे हैं वहाँ लोग। तो जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा हो जाएगा। मनोज सिन्हा के बाद हम बात करेंगे पुदुचेरी की, ठीक है, पुदुचेरी की। तो पुदु और चेरी, चेरी एक फल है, और फल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक इतना सुंदर फल है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है, और इसकी सुंदरता को देख के लोग तिलमिला जा रहे हैं। पुदु चेरी एक ऐसा फल है जिसकी सुंदरता को देख के लोग तिल मिला जा रहे हैं। तो पुदु चेरी से हो जाएगा चेरी, चेरी से पुदु चेरी, पुदु चेरी, और चेरी से हो जाएगा क्या, तो लोग तिल मिला जा रहे हैं इसकी सुंदरता को, तो फिर वही हो जाएंगे तिमिल साई, तिमिल साई सौंदर राजन, सौंदर राजन। तेलंगाना के यही हैं और पुदुचेरी के भी यही हैं, तिमिल साई सौंदर राजन। इसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख की, लद्दाख की। हमारे पास कोई व्यक्ति आया और वो कहा कि श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, ये किसी को तो पता नहीं है, श्री कृष्ण और राधा कृष्ण कहाँ रहते हैं ये किसी को नहीं पता है। तो हमने कहा कि ले देख ये मथुरा में रहते हैं, ले देख ये मथुरा में रहते हैं। तो इससे ट्रिक बन जाएगा आपका कि ले देख से मतलब क्या है, लद्दाख। उसको हमने बताया कि ले देख यानी कि लद्दाख, श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, तो
कृष्ण राधा कहाँ रहते हैं ये हमें बताना है उसे। तो राधा और कृष्ण कहाँ रहते हैं, हमने कहा कि मथुरा में रहते हैं, तो माथुर यानी कि ले देख राधा कृष्ण मथुरा में रहते हैं, तो राधा कृष्ण माथुर ये लद्दाख के हो जाएंगे। अब यहाँ पे सभी राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रपति की। तो भारत के राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति, तो भारत से शब्द आता है भरत, और भरत के बड़े भाई यानी कि देखभाल करने वाले जो थे वो राम थे, ठीक है। और राम क्या थे, उनके लिए नाथ थे यानी कि भगवान थे, और गोविंद के अवतार थे राम, गोविंद गोविंद यानी कि कृष्ण के अवतार थे। तो यहाँ अब बात आ जाएगी कि भरत यानी कि भारत, और भारत के राष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रपति की अगर बात की जाए, पूरे राष्ट्र के पति कौन है, तो जो भरत के थे वो सबके होंगे, तो राम थे, और राम इनके लिए क्या थे, नाथ थे, भगवान थे, और यही राम गोविंद भी थे, तो गोविंद से आपका बन जाएगा कोविंद, रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति के बाद हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं, जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो भी उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे ये भी आपके वही होंगे जो उपराष्ट्रपति होंगे। तो ये कौन है, एम वेंकैया नायडू। कौन है, एम वेंकैया नायडू, ये हैं राज्यसभा के अध्यक्ष हैं और उपराष्ट्रपति भी हैं, एम वेंकैया नायडू। इसके बाद हम बात करेंगे, इनके बाद लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं तो ओम बिड़ला जी हैं। लोकसभा के कौन हैं, ओम बिड़ला जी। अब लोगों ने एक सभा रखा, उस सभा में आपको ओम कहना है और बहुत दूर तक कहना है, आपको बहुत देर तक ओम कहना है। तो लोगों ने एक सभा रखा, उस सभा में आपको सिर्फ ओम कहना है, तो यहां से हो जाएगा ओम और बिड़ला, ओम बिड़ला। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला। राज्यों के राज्यपाल के बाद हम जानेंगे भारत में जो सशस्त्र सेना बल हैं, यानी कि जो भी सशस्त्र सेना है हमारे भारत में, वो उसके चीफ कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए भारत में जो चीफ आर्म फोर्स हैं, ठीक है, जो आर्म फोर्स के जो चीफ लोग हैं उनका नाम जानेंगे। तो इसमें आपको प्रमुख रूप से चार नाम याद रखने हैं, और चार नामों में जो सबसे पहला नाम है वो आपको CDS का नाम याद रखना है। CDS का मतलब होता है चीफ डिफेंस स्टाफ, CDS चीफ डिफेंस स्टाफ। ये कौन है, तो ये है विपिन रावत। कौन है, विपिन रावत, जनरल विपिन रावत। जो CDS है भारत के कौन है, विपिन रावत, विपिन रावत। CDS कौन है, विपिन रावत। इनका काम क्या है, तो तीनों जल थल और नभ की जो सेनाएं हैं इनको कॉम्प्रोमाइज करके एक करना, इनका काम है CDS का। इसके बाद हम बात करेंगे सेना प्रमुख में, थल सेना प्रमुख की। तो इसमें है मनोज मुकुंद नरवरे जी, मनोज मुकुंद नरवणे। तो थल सेना अध्यक्ष जो हैं, थल सेना के जो अध्यक्ष हैं, थल सेना के जो प्रमुख हैं, थल सेना प्रमुख, तो इनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। इसके बाद से हम बात करेंगे वायुसेना प्रमुख की। तो वायुसेना के प्रमुख जो हैं, एयर प्रमुख मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो वायुसेना के हैं, वायुसेना के जो हैं प्रमुख हैं, ये हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इसके बाद से हम बात करेंगे नौसेना प्रमुख की। तो नौसेना प्रमुख में जो है, इसके बाद हम बात करेंगे नौसेना प्रमुख की। तो नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह है। नौसेना यानी कि जो नौका से सेना गमन करती है, नौसेना इसके कौन है, तो एडमिरल करमवीर सिंह, करमवीर सिंह,
करमवीर सिंह। आज हम जान पाए जो बचे हुए राज्यों के राज्यपाल थे, उपराज्यपाल थे, उनके बारे में समझें। भारत के राष्ट्रपति को जाने, भारत के उपराष्ट्रपति को जाने, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनके बारे में हमने सीखा, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में हमने जाना, इसके बाद से जो भी हमारे सेना प्रमुख हैं उनके बारे में हमने जाना। तो सेना प्रमुख में सबसे उच्च स्थान जो रखते हैं वो CDS रखते हैं, बिपिन रावत जी। इसके बाद से जो थल सेना प्रमुख हैं ये हैं मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना प्रमुख जो हैं ये हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और जो नौसेना प्रमुख हैं ये हैं करमवीर सिंह जी, करमवीर सिंह जी। इतने लोगों के बारे में हमने सीखा और इतने लोगों के बारे में हम जाने। ये नाम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाली आगामी जो भी परीक्षाएं आपकी होती हैं उस परीक्षाओं में ये नाम एक ना एक आना ही आना है। इसके बच्चे हैं जो आपको क्रम से याद रखना पड़ेगा, जैसे कि कैबिनेट स्तर के जितने भी मंत्री हैं उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद से RBI के गवर्नर कौन है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में आप जानेंगे। तो ये जो भी नाम बच जा रहे हैं इनको हम अगले वीडियो में कंबाइन करने का प्रयास करेंगे और इनको एक अलग सेपरेट वीडियो में डाल के लेके आएंगे।